हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। आदित्य राव की अपकमिंग फिल्म मलंग की सनी सुपर साउंड में स्पेशल स्क्रीनिंग देखने को मिली। मोहित सूरी की फिल्म मलंग, जो अपने गानों और फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में है और जिसमें बतौर लीड एक्टर नजर आने वाले हैं आदित्य राय कपूर और दिशा पटानी, फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसके पहले आज मूवी की स्क्रीनिंग देखने को मिली। सभी कास्ट के लिए सनी सुपर साउंड में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां मौजूद हुए विद्या बालन और सिद्धार्थ राय कपूर। साथ ही स्क्रीनिंग में महेश भट्ट भी प्रेजेंट हुए, जहां दिशा पटानी और आदित्य राय कपूर फिल्म के केमिस्ट्री की तरह स्क्रीनिंग में भी साथी में पहुंचे। सभी ने मीडिया के लिए पोस्ट किया और इस मौके पर सभी फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आए। एजियो ब्रांड के न्यू कलेक्शन के लॉन्च पर पहुंची राधिका आप्टे। अपने एक्टिंग से लाखों के दिल जीतने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे आज एजियो ब्रांड के न्यू कलेक्शन के लॉन्च पर पहुंची। उन्होंने रैंप वॉक किया, उनके साथ कई मॉडल्स ने भी रैंप वॉक किया। राधिका ने इस ब्रांड के न्यू कलेक्शन के बारे में बात की। न्यू कलेक्शन के एक प्रोमो में भी राधिका एक अलग अंदाज में नजर आई। राधिका ने अपने लाइफस्टाइल, कपड़ों को लेकर कुछ बातें भी की। उन्होंने अपने फैशन को लेकर बहुत कुछ शेयर भी किया। ब्लेंडर्स ब्राइट मैजिकल रनवे के रेड कार्पेट पर नुपुर सैनन और रिया चक्रवर्ती आई नजर। एक्टर करण टैकर जुहू के सुपर सनी साउंड में आए नजर। सलमान खान की फिल्म वीरगति की एक्ट्रेस पूजा तड़पा शॉर्ट फिल्म शुक्राना गुरु नानक देव जी का इससे कमबैक करने जा रही है और आज इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। सलमान खान की फिल्म वीरगति की एक्ट्रेस पूजा तड़पा सुरेंद्र सिंह के शॉर्ट फिल्म शुक्राना गुरु नानक देव जी का से अपना कमबैक करने वाली है। पूजा का ये कमबैक 2 डिकेड्स के बाद होने वाला है, जिसका पोस्टर आज लॉन्च किया गया। पूजा ने हमसे बात करते हुए बताया कि कैसे उन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जरूर इंडस्ट्री में अपनी वापसी करेगी। इसी के साथ अपने इस नई जिंदगी का एक बहुत बड़ा योगदान वो सलमान खान को भी देना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि सलमान ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की है। वहीं उनके टिफिन सर्विस रन करने वाली बात पर कुछ नाराज नजर आई। पूजा ने कहा कि पता नहीं लोगों ने इतना नमक मिर्च लगाकर ये सब क्यों बताया है, लेकिन मैं कोई टिफिन सर्विस नहीं करती थी, बस अपने खाली टाइम को भरने के लिए मैं मदद कर दिया करती थी। सलमान खान से मिलने वाली बात पूछे जाने पर पूजा ने कहा कि आप सभी को बहुत जल्दी न्यूज मिलेगी, क्योंकि मेरी सलमान से मिलने की बात ऑलरेडी चालू है, बस कुछ पर्सनल है तो नहीं बता सकती हूँ। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।